दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरे T20 का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर संजू और सूर्या ने मचाया तांडव, चौके छक्कों की लड़ाई। ऐसी आंधी 20 ओवर में टीम इंडिया ने ठोक डाले 297 रन, तो फिर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जब बांग्लादेश, तब मयंक यादव के साथ वॉशिंगटन सुंदर और भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा मचाया हाहाकार। बांग्लादेश की बर्बादी देखकर खौफ में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। तो इस रोमांचक तीसरे T20 मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश का सूपड़ा साफ कर दिया, इसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी संजू और सूर्या के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 2-0 से T20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत से इस तीसरे T20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तीसरे T20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर से विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरे ओवर में सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद। कुआड़े हाथों लेते हुए संजू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15-16 रन बटोरे कर उन्होंने 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि तभी तीसरा ओवर लेकर आए तंजीब ने आती पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते हुए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहाँ उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को नया जीवनदान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर सूर्या का बल्ला दहाड़ा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोर कर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी थी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। चौथे ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। सूर्या ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे, तो ये तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। 7वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन को नानी याद दिलाते हुए संजू ने उनकी 2 गेंद पर 2 चौके लगाए, तो तीसरी गेंद पर गगन चुंबी छक्का उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 22 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 7 ओवर में टीम इंडिया 98 रनों पर खड़ी थी, तो 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी का एक मौका नहीं दे रहे थे। हैदराबादी फैंस के लिए तो आज चांदी हो गई थी, क्योंकि सूर्या और संजू ने ऐसी आतिशबाजी करी थी कि पूरा आसमान रंगीन हो गया था। हर एक हिंदुस्तानी खुश था, तो आंसू निकल रहे थे तो केवल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के। 10वें ओवर में संजू ने रिशाद हुसैन को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 गेंद पर 5 तूफानी छक्के उड़ाकर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। इसी की बदौलत 10 ओवर में टीम इंडिया 152 रनों तक खड़ी थी। तो दूसरी तरफ सूर्या ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना अर्धशतक 24 गेंद में पूरा किया, लेकिन संजू सैमसन तो आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में आए थे। उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पहले संजू ने सूर्या के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया, तो फिर देखते ही देखते 12वें ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन का स्वागत चौके से कर संजू सैमसन ने केवल 40 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर सूर्या से लेकर गंभीर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और अपनी मसल्स दिखाते हुए संजू ने इस सेंचुरी का जोरदार जश्न भी मनाया। 13 ओवर में ही उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 190 रनों तक पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश का मनोबल, कॉन्फिडेंस सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। हालांकि हर अच्छी चीज का अंत आता है।
14वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर ने आखिरकार संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन जाने से पहले संजू ने अपना काम बखूबी किया और 47 गेंद पर 11 चौकों और 8 तूफानी छक्कों से सजी 111 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। हालांकि उनके विकेट का कुछ खास असर इंडिया पर हुआ नहीं। सूर्या ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर 14 ओवर में टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों संजू के पीछे पीछे अगली गेंद अगले ओवर में महमूदुल्ला ने सूर्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां सूर्या 35 पर 8 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 75 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में रियान पराग और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जहां रियान ने तो आते तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर बांग्लादेश की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया था, तो बांग्लादेश को जश्न मनाने का मौका मिल भी पाता उससे पहले ही रियान और हार्दिक ने रनों की रफ्तार से बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 16वें ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के हार्दिक ने उड़ाए, तो 17वें ओवर में भी रियान पराग ने 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 17 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों तरफ से केवल चौके छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। हालांकि 19वें ओवर में तस्कीन अहमद ने आखिरकार रियान पराग का शिकार कर लिया, लेकिन जाने से पहले रियान ने 13 गेंद पर 4 छक्कों और 1 चौके से सजी 34 रनों की खूंखार पारी खेल दी थी। 19 ओवर में टीम इंडिया ने 282 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, तो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर बाउंड्री पर वो भी कैच आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंद पर 4 चौके 4 छक्कों से सजी 47 रनों की खतरनाक पारी खेली। नीतीश रेड्डी भी पहली गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसी के साथ टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर रिंकू ने छक्का मारकर टीम इंडिया को 20 ओवर में 297 रनों के ऐतिहासिक टोटल तक पहुंचा दिया था। अब बांग्लादेश के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना तो पॉसिबल था ही नहीं, अब ये देखना था कि बांग्लादेश कितनी लड़ाई कर पाती है। ऐसे में बांग्लादेश की इज्जत बचाने ओपनिंग क्रम में परवेज हुसैन इनाम के साथ तंजीद हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन पहली गेंद पर रफ्तार के सौदागर मयंक यादव ने परवेज हुसैन को रियान पराग के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे संतों ने तंजीद हसन के साथ मिलकर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और 3 ओवर में 35 रन बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने बना लिए थे। वो भारतीय टीम से लड़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो 297 रनों के आसपास शायद पहुंच जाएं। वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था, जहां तंजीद हसन ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ दूसरे ओवर में एक के बाद एक 2 चौके लगाए, तो संतों ने तीसरे ओवर में मयंक यादव को आड़े हाथ लेते हुए एक तूफानी छक्का और फिर एक चौका भी लगा दिया था। लेकिन दोस्तों उनकी यह पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चली और 4th ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने इस बार तंजीद हसन को रियान पराग के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश के दोनों ओपनर समेत दिए थे। यहां जहां तंजीद 12 गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 4 ओवर में 39 रन बनाकर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी ढेर हो चुके थे। अब मैदान पर लिटन दास के साथ कप्तान नजमुल हुसैन संतों की जोड़ी मौजूद थी, जो अपनी टीम की नैया पार लगाना चाहते थे। 5 ओवर में उन्होंने बांग्लादेश को 59 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश ने लड़ाई करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस मैच को जीत पाना तो दूर स्कोर के आसपास भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पहुंच नहीं पाई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इस T20 मैच को जीतकर 3-0 से बांग्लादेश का सफाया कर दिया। तो दोस्तों अब संजू और सूर्या की खंखार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।